हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये है हमारा पार्ट 6 ऑफ चैप्टर 1, जिसमें हम टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी पूरा चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, थियरी थी, वो सारी हमने इन डिटेल समझ लिए हैं। इसके 5 पार्ट्स ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए, होपफुली वो सारे ही वीडियोज आपने देख लिए होंगे, राइट? तो चलिए अब टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस देखते हैं जो दिए हुए हैं पेज नंबर 1.43 पर। सबसे पहले है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज है। अब आपको 30 मार्क्स के एमसीक्यूज कॉस्टिंग के पेपर में भी देखने को मिलेंगे, तो ये एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्लैंक इज एनीथिंग फॉर विच अ सेपरेट मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड, जिसके लिए सेपरेट मेजरमेंट करना चाहिए। कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट ड्राइवर और कॉस्ट सेंटर। यहाँ पर सही आंसर आएगा कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए सेपरेट मेजरमेंट किया जाता है कि कितना कॉस्ट हुआ है, राइट? सो कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल के लिए कौन सा सही, यहाँ से स्टेटमेंट कौन सा सही है। कॉस्ट कंट्रोल में क्या होता है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो डिटरमाइन किया जाता है, और एक्चुअल कॉस्ट उसके अंदर ही है या नहीं वो देखा जाता है, और कंट्रोल किया जाता है कॉस्ट को कि वो स्टैंडर्ड कॉस्ट या फिर बजट के अंदर ही एक्चुअल कॉस्ट हो। So, उसके ऑप्शन है, इट इज अ करेक्टिव फंक्शन। ये करेक्टिव फंक्शन है, ये गलत है क्योंकि करेक्टिव फंक्शन नहीं है, ये प्रिवेंटिव फंक्शन है। इट चैलेंजेस द सेट स्टैंडर्ड्स, ये सेट स्टैंडर्ड्स जो है उसको चैलेंज करता है, ये भी गलत है। यहाँ पर तो स्टैंडर्ड्स जो है उसको अचीव करने की ट्राई की जाती है। इट एंड्स व्हेन टारगेट अचीव्ड, जब टारगेट अचीव होता हो जाता है कॉस्ट कंट्रोल खत्म हो जाता है, तो ये सही है। इट इज कंसर्न्ड विथ फ्यूचर, ये फ्यूचर से कंसर्न्ड है, नहीं यहाँ पर सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट को देखा जाता है, सो ये भी गलत है, तो यहाँ पर आंसर आएगा सी। फिर है कॉस्ट यूनिट यूज्ड इन पावर सेक्टर। पावर सेक्टर में कौन सा कॉस्ट यूनिट यूज किया जाता है? किलोमीटर ऑब्वियसली नो, किलोवाट आवर यस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक पॉइंट्स ये भी नहीं देखे जाते क्योंकि इलेक्ट्रिक पॉइंट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज हुआ है वो मैटर करता है। नंबर ऑफ आर, आर से जरूरी नहीं है कि उसमें पावर का यूज हुआ ही हो, इसलिए ये भी गलत है, आंसर बी किलोवाट आर। प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड इज सूटेबल फॉर, प्रोसेस कॉस्टिंग जहां पर वेरियस टाइप्स के प्रोसीजर्स होती है, प्रोसेसेस होती है, वहां पर प्रोसेस कॉस्टिंग यूज किया जाता है। प्रोसेस वाइज कितना कॉस्ट हुआ है वो डिटरमाइन किया जाता है, तो कहां पर प्रोसेस कॉस्टिंग यूज हो सकता है? ट्रांसपोर्ट सेक्टर नहीं, वहां पर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यूज किया जा सकता है क्योंकि वो सर्विस है। केमिकल इंडस्ट्रीज, हाँ वहां पर यूज किया जा सकता है। डैम कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन जब भी होता है तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज किया जाता है, वो जो भी कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट है तो उसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपेंस कितना है वो देखा जाता है, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। फर्नीचर मेकिंग, फर्नीचर मेकिंग जनरली उसके लिए जॉब कॉस्टिंग, क्योंकि फर्नीचर है वो कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हो सकता है, इसीलिए वो जनरली फर्नीचर मेकिंग के लिए जॉब कॉस्टिंग का यूज किया जाएगा, तो आंसर आएगा बी केमिकल कॉस्टिंग, क्लियर? फिर जो फिफ्थ एमसीक्यू है, अगर आपके पास प्रिंटेड बुक है, राइट, स्टडी मटेरियल अप्रैल 2023 वाली एडिशन है, तो उसमें ये फिफ्थ एमसीक्यूज अलग था, वो अब चेंज कर दिया है। तो अगर आपके पास पुरानी मॉड्यूल है, राइट, उसमें अगर अलग क्वेश्चन है तो आपको ये कंसिडर करना होगा, आप सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करके देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल के बारे में कौन सा ट्रू नहीं है, गलत है? फर्स्ट ऑप्शन, कॉस्ट कंट्रोल सिक्स टू अटेन लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट अंडर बेस्ट कंडीशन। कॉस्ट कंट्रोल है उसमें कॉस्ट को हो सके इस उतना कम करके लेकर आना है इन बेस्ट कंडीशन, ये गलत है। बेस्ट कंडीशन में नहीं, नॉर्मल सिचुएशन, करंट कंडीशन में उसको लेकर आना है, तो यही गलत सेंटेंस है, पर फिर भी दूसरे ऑप्शन देख लेते हैं। कॉस्ट कंट्रोल एम्फसिस ऑन पास्ट एंड प्रेजेंट, करेक्ट, कॉस्ट कंट्रोल में पास्ट और प्रेजेंट डेटा के ऊपर फोकस किया जाता है। कॉस्ट रिडक्शन इज अ करेक्टिव फंक्शन, इट ऑपरेट्स इवन व्हेन एन एफिशिएंट कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट, ये करेक्टिव सिस्टम है, इसमें हो सके उतना हमें कॉस्ट कम करते ही जाना, राइट, तो ये भी सही सेंटेंस है। कॉस्ट कंट्रोल एंड्स व्हेन टारगेट्स आर अचीव्ड, कॉस्ट कंट्रोल तब एंड हो जाता है जब टारगेट अचीव हो जाता है, ये भी सही सेंटेंस है, तो यहाँ पर आंसर आएगा ए। फिर सिक्स्थ एमसीक्यू है, द एडवांटेज ऑफ यूजिंग आईटी इन कॉस्ट अकाउंटिंग डज नॉट इंक्लूड। आईटी का जो यूज कर कॉस्टिंग अकाउंट में, कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर हम आईटी का यूज करेंगे तो नीचे में से कौन सा एडवांटेज नहीं है? इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस फंक्शन, वेरियस फंक्शंस का इंटीग्रेशन करना एडवांटेज नहीं है, तो ये तो गलत है, एक्चुअल में वो एडवांटेज है। स्टॉक नीड्स टू बी रिकनसल्ड विथ जीआर एंड गुड्स रिसीव्ड नोट के साथ स्टॉक को रिकनसिलेशन करना पड़ेगा, तो इसका कुछ भी आईटी के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो ये आंसर सही आंसर आएगा, ये एडवांटेज नहीं है।
रिडक्शन इन मल्टी सिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो वेरियस डॉक्यूमेंट्स है राइट, उसमें रिडक्शन हो जाएगा, वेरियस टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब सिस्टम थ्रू ही वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो एक्सेस कर पाएंगे. कस्टमाइज्ड रिपोर्ट्स कैन बी प्रिपेयर्ड, कस्टमाइज्ड रिपोर्ट्स है वो प्रिपेयर किए जा सकते हैं, तो ये भी एडवांटेज है. तो ये ए सी और डी एडवांटेज है, बी नहीं है, इसीलिए आंसर आएगा बी. अ टैक्सी प्रोवाइडर चार्जेस मिनिमम ₹80 देयर आफ्टर ₹12 पर किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड, द बिहेवियर ऑफ कन्वेंस कॉस्ट. टैक्सी ड्राइवर ने ऐसा कहा है कि ₹80 मिनिमम वो चार्ज करेगा और फिर जितना भी ट्रैवल किया जाएगा पर किलोमीटर ₹12 चार्ज किया जाएगा. तो ये किस टाइप का कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट? यहाँ पर आंसर आएगा बी, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि ये ₹80 है वो क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है, और ये ₹12 पर किलोमीटर वो वेरिएबल कॉस्ट है. तो इस फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों ही एलिमेंट है, तो इसे सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहा जाएगा, सिंपल. देन ए लिमिटेड हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड ईच डिपार्टमेंट हैज 2 मशीन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ कॉस्ट सेंटर फॉर कॉस्ट एलोकेशन. ए लिमिटेड है, उसके पास 3 प्रोडक्शन मशीन्स है, सॉरी 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और ईच डिपार्टमेंट हैज 2 मशीन्स, मतलब के 6 मशीन्स है. Which of the following cannot be treated as cost center? इसमें से कौन सा cost center नहीं है? Machines under the production department, machine जो है उसको cost का center नहीं कह सकते. Production departments, both production departments and machines, या फिर A limited. यहाँ पर answer आएगा D, A limited. A limited cost center नहीं है, क्योंकि A limited का काम सिर्फ cost incur करना नहीं है, but वो क्या करते हैं, रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं, प्रॉफिट भी अर्न करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं. तो उसको सेंटर वाइज पहले तो हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, और उसका काम कॉस्ट सेंटर तो नहीं है, सिर्फ कॉस्ट इनकर करना नहीं है. बट जबकि ये मशीन्स और डिपार्टमेंट से दोनों का काम तो सिर्फ कॉस्ट इनकर करना ही रहेगा, राइट. तो ए बी और सी आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा डी. फिर 9th एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट. फंक्शन के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन किया है उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, फिर सेलिंग कॉस्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड R&D कॉस्ट में जनरली क्लासिफिकेशन किया जाता है. तो यहाँ पर आंसर आएगा सी, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स. यहाँ पर अब चेंज करके उसे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कहा जाता है, जो न्यू मॉड्यूल है उस हिसाब से, बट यहाँ पर अभी चेंज नहीं किया गया, ठीक है. फिर लास्ट MCQ, टिकट काउंटर इन रेलवे स्टेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ. जो टिकट काउंटर होता है रेलवे स्टेशन पर वो किसका एग्जाम्पल है, कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर और इन्वेस्टमेंट सेंटर? आंसर आएगा बी, रेवेन्यू सेंटर, क्योंकि उसका काम रेवेन्यू जनरेट करना है, कॉस्ट इनकर करना है या प्रॉफिट कमाना है, इन्वेस्टमेंट करना नहीं है. क्लियर? तो ये सारे MCQs थे, काफी इजी थे, राइट. चलो फिर थियोरिटिकल क्वेश्चन है. थियोरिटिकल क्वेश्चन में ये 1-6 जो है वो तो कहीं ना कहीं हमने कवरअप कर लिए है. 7th क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग है और इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, 1-2 बार ओल्ड कोर्स में पूछा भी हुआ है. स्टेट द मेथड ऑफ कॉस्टिंग एंड द सजेस्टेड यूनिट ऑफ कॉस्ट फॉर द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज. यहाँ पर हमें कुछ इंडस्ट्रीज दे रखी है, उसमें कौन सी यूनिट ऑफ कॉस्ट क्या होगा और मेथड ऑफ कॉस्टिंग कौन सी यूज कर सकते हैं वो हमें बताना रहेगा, राइट. इसका आंसर आपको यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, बट मैंने उसकी समरी बना ली है आंसर जो है उसका, तो वो PDF में से मैं समझा देता हूँ, और ये PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं. तो यहाँ पर सबसे पहली इंडस्ट्री है ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट है वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है वो यूज किया जाएगा, और उसमें यूनिट कॉस्ट पैसेंजर किलोमीटर या फिर टर्न किलोमीटर हो सकता है. अगर पैसेंजर्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन है तो पैसेंजर पर किलोमीटर, अगर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन है तो टर्न पर किलोमीटर यूनिट है वो यूज कर सकते हैं. पावर वो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें भी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और उसमें किलोवाट आवर्स जो हमने MCQ में भी देखा था यूनिट रहेगा. होटल अगेन सर्विस, तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, उसमें रूम पर डे कॉस्ट निकाल सकते हैं. हॉस्पिटल अगेन सर्विस, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, पेशेंट डे वो निकाल सकते हैं, यूनिट बन सकता है. फिर स्टील है, तो स्टील में प्रोसेस कॉस्टिंग या फिर सिंगल कॉस्टिंग का यूज किया जा सकता है. उसमें टर्न पर टर्न कितना कॉस्ट हुआ वो डिफाइन किया जाता है, इसीलिए उसका यूनिट टर्न कर सकते हैं. कोल के लिए सिंगल कॉस्टिंग, आउटपुट कॉस्टिंग या फिर यूनिट कॉस्टिंग का यूज किया जा सकता है, उसमें भी पर टन कितना एक्सपेंस हुआ वो डिफाइन किया जाता है. बाइसिकल्स है, तो उसमें मल्टीपल कॉस्टिंग, नंबर्स में उसका कॉस्ट है वो डिफाइन किया जाता है. फिर ब्रिज कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन है तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आएगा, प्रोजेक्ट या फिर पर यूनिट, राइट. वो जनरली प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्ट कितना एक्सपेंस हुआ वो मेजर किया जाता है. इंटीरियर डेकोरेशन है जॉब कॉस्टिंग, वो कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से होता है, तो उसमें पर असाइनमेंट कितना कॉस्ट हुआ
एडवर्टाइजिंग अगेन जॉब कॉस्टिंग, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट है वो भी कस्टमर स्पेसिफाइड होगा, कस्टमर स्पेसिफिक होगा, तो उसमें भी पर असाइनमेंट कितना एक्सपेंस है वो देखा जाएगा। फर्नीचर है तो जॉब कॉस्टिंग वो भी जनरली कस्टमर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से होता है, तो उसमें नंबर में भी हो सकता है और कई बार असाइनमेंट में भी होता है कि पूरा जो फर्नीचर घर का करना है तो उसके लिए कितना कॉस्ट होगा। ब्रिक वर्क्स, उसके लिए सिंगल कॉस्टिंग या आउटपुट कॉस्टिंग या यूनिट कॉस्टिंग का यूज किया जाता है, पर 1000 यूनिट्स या पर यूनिट कितना है उस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये जो थे ए टू एल, ये सारे आपके मॉड्यूल के अंदर जो टेस्ट और नॉलेज का क्वेश्चन है उसमें दिए हुए हैं। ये जो थोड़े से है 5-7, ये ओल्ड कोर्स में जो ICAI के मटेरियल थे उसमें दिए हुए थे, तो मैंने यहाँ पर समराइज कर दिया है ताकि आपको अगर इसमें से भी क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ऑयल रिफाइनिंग मिल है तो वहाँ पर प्रोसेस कॉस्टिंग यूज़ किया जाएगा, उसमें बैरल, टन और लीटर का यूनिट हो सकता है। सुगर कंपनी हैविंग इट्स ओन सुगर कैन फील्ड, अगर सुगर कैन फील्ड ना हो तो भी ये प्रोसेस कॉस्टिंग ही होगा, पर टन यूनिट मिलेगा। टॉय मेकिंग है तो उसमें बैच कॉस्टिंग हो सकता है, क्योंकि पूरी टॉय की बैच बन सकती है और उसके हिसाब से कॉस्टिंग किया जाता है, पर यूनिट यूनिट में कितना है वो नंबर ऑफ यूनिट में ही यूनिट बनेगा उसका। सीमेंट जो है वो सिंगल कॉस्टिंग, टन पर बैग। रेडियो असेंबलिंग मल्टीपल कॉस्टिंग, यूनिट्स में वो आइडेंटिफाई किया जाएगा। रेडियो असेंबलिंग अब तो काफ़ी कम हो चुका है, रेडियो का यूज ही कम हो चुका है इसीलिए। शिप बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोजेक्ट और यूनिट उसका यूनिट बन सकता है, राइट। तो ये इस तरह से जो इंडस्ट्रीज थी उसकी मेथड ऑफ कॉस्टिंग और जो कॉस्ट यूनिट है हो सकता है। टेस्ट और नॉलेज का ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एक दो बार ओल्ड कोर्स में भी पूछा है, फिर से भी पूछ सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ मेथड ऑफ कॉस्टिंग भी पूछ सकते हैं, सिर्फ यूनिट ऑफ कॉस्ट भी पूछ सकते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। और लास्ट में टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग के बारे में और मेथड ऑफ कॉस्टिंग के बारे में ये क्वेश्चन आपको पूछे गए, ठीक है, बहुत थियोरिटिकल क्वेश्चन है। तो ये पूरा टेस्ट और नॉलेज था, होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये हमारा पूरा चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग था, वो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, सजेशन और रिव्यूज, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट हम चैप्टर 2 जो है मटेरियल कॉस्ट वो समझेंगे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। थैंक यू सो मच।